एबीसी सुनाओ संता एबीसी टीचर, और सुनाओ संता और सब बढ़िया है, आप सुनाओ। लड़कियां भी अजीब होती है, तैयार होने के लिए पार्लर जाती है और पार्लर जाने के लिए भी तैयार होती है। लड़की, हे भगवान मेरी शादी किसी समझदार आदमी से करवा दो। भगवान, घर जाओ बेटी, समझदार आदमी कभी शादी नहीं करता। दूध वाले ने एक औरत को साइकिल से टक्कर मार दी। महिला गुस्से में, दिखता नहीं है क्या अंधे? दूध वाला, मैडम सॉरी, आज सुबह से आप तीसरी सुंदर महिला है जिसे हमारी साइकिल से टक्कर लगी है। महिला इतराते हुए, ओह कोई बात नहीं, सुन यह तो बात, तीनों में सबसे सुंदर कौन थी? दूध वाला, जी मैडम आप। महिला सच्ची, ले एक टक्कर और मार दे। बच्चा, पापा मर्द किसे कहते हैं? पापा उस पावरफुल इंसान को जो घर पर हुकूमत करता है। बच्चा, मैं भी बड़ा होकर मम्मी की तरह मर्द बनूंगा। किलर जोक्स। ऑपरेशन के बाद पेशेंट बोला, डॉक्टर साहब क्या अब मैं रोग मुक्त हूँ? सामने से जवाब मिला, बेटा डॉक्टर साहब तो धरती पर ही रह गए, मैं तो चित्रगुप्त हूँ। मुहावरे के आधुनिक अर्थ। नंबर एक, खुद की जान खतरे में डालना शादी करना। नंबर दो, आप बैल मुझे मार पत्नी से पंगा लेना। नंबर तीन, दीवार से सर फोड़ना पत्नी को समझाना। नंबर चार, चार दिन की चांदनी वही अंधेरी रात पत्नी का मायके से वापस आना। नंबर पाँच, आत्महत्या के लिए प्रेरित करना शादी की राय देना। नंबर छह, दुश्मनी निभाना दोस्ती की शादी करवाना। नंबर सात, खुद का स्वार्थ देखना शादी न करना। नंबर आठ, पाप की सजा मिलना शादी हो जाना। नंबर नौ, लव मैरिज करना खुद से युद्ध करने को योद्धा ढूंढना। नंबर दस, जिंदगी के मजे लेना कुंवारा रहना। नंबर ग्यारह, उखली में सिर देना शादी के लिए हाँ करना। नंबर बारह, खुद को लूटते हुए देखना पत्नी की मांग पूरी करना। नंबर तेरह, शादी की फोटो देखना गलती पर पश्चाताप करना। नंबर चौदह, शादी के लिए हाँ करना स्वेच्छा से जेल जाना। नंबर पंद्रह, शादी करना बिना अपराध की सजा पाना। नंबर सोलह, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवानी दूसरों के दुख से खुश होना। नंबर सत्रह, साली आधी घरवाली वो स्कीम है जो दूल्हे को बताई जाती है लेकिन दी नहीं जाती। टीचर बनने के बाद बंदे में इतनी हिम्मत तो आ जाती है जो किसी को भी मुंह उठाकर डांट देता है। एक बार पप्पू अपने स्कूल पहुंचने में लेट हो जाता है तो अध्यापक उसे डांटते हुए देर से आने का कारण पूछता है। अध्यापक, तुम लेट क्यों आए हो? पप्पू, मम्मी पापा लड़ रहे थे। अध्यापक, वो लड़ रहे थे तो तुम क्यों लेट हो आए? पप्पू, मेरा एक जूता मम्मी के पास था और दूसरा पापा के पास। टीचर, सास, भगवान ने तुम्हें दो दो आंखें दी है, चावल में से दो चार पत्थर नहीं निकाल सकती? बहू, बहुत फनी, भगवान ने तुम्हें 32 दांत दिए हैं, दो चार पत्थर चबा नहीं सकती हो? टीचर टू बॉय, नालायक, क्लास में दिन भर लड़कियों के साथ इतनी बातें क्यों करता है? बाय सर, गरीब हूँ, मेरा मोबाइल में व्हाट्सएप नहीं है। मंगलसूत्र लटका हो तो लड़की शादी शुदा, मुंह लटका हो तो लड़का शादी शुदा। बहुत कम लोग ही जानते हैं कि भीष्म पितामह के बाद सिर्फ MDH मसाला वाले ताऊ की इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। मजबूरियां होती है महान लोगों के जीवन में, नहीं तो राम वनवास में, कृष्ण कारावास में और मैं ऑफिस में क्यों बैठता? संता की साली उसकी बीवी से ज्यादा सुंदर थी, उसे इस बात को लेकर खुन्नुस रहता था। एक बार वो अपनी सास के यहाँ गया और बोला, जब आपके यहाँ रसगुल्ला था तो हमें दही बारा क्यों पकड़ा दिया? गुरुजी, पप्पू बताओ, अस्पताल में प्लस का निशान होता है उसका क्या मतलब होता है? पप्पू, जो खड़ा है वह डॉक्टर और जो आरा है वह मरीज। गुरुजी बेहोश। संता की टांगे नीली पड़ गई, डॉक्टर जहर है काटनी पड़ेगी।
टांगे कटकर नकली लगा दी गई। दो दिन बाद नकली टांगे भी नीली पड़ गई। डॉक्टर, अब बीमारी समझ में आई, जींस रंग छोड़ती है। चॉकलेट इंसानों से भी ज्यादा स्वीट होती है, लेकिन कुछ इंसान चॉकलेट से भी ज्यादा स्वीट होते हैं, जैसा आप ने तो मुझे देखा ही होगा। राजा हरिश्चंद्र ने आजीवन सत्य बोला, कभी भी झूठ नहीं बोला। उनका मुख्य कारण यह है कि उनकी पत्नी ने कभी भी ये तीन बातें नहीं पूछी। पहला, कहाँ जा रहे हो? दूसरा, मैं कैसी लग रही हूँ? तीसरा, किसका फोन था? सदमे से मर गया उसी वक्त एक मरीज। डॉक्टर ने जब कहा दाल का पानी पिया करो। राहुल, मम्मी पहले कम दिमाग वाले सारे जोक सरदारों पर बनते थे, मगर अब सब मुझ पर क्यों बनाने लगे हैं? सोनिया, बेटा एक सरदार की बद्दुआ लग गई है। हमने मनमोहन सिंह को कई साल बेवकूफ बना के रखा, ये उसी का श्राप है बेटा। संता, मैं बचपन में 10 माले की बिल्डिंग से गिर गया था। बंता, अरे यार फिर क्या हुआ, बच गया कि मर गया? संता, याद नहीं यार, बहुत पुरानी बात है ना। कोयल ने पूछा कौवे से, अभी तक शादी क्यों नहीं की? कौवा बोला, बिना शादी के ही जिंदगी में इतनी काव काव है, तो शादी के बाद कितनी होगी? ये जरूरी नहीं कि हर रिश्ता खून का हो, कुछ रिश्ते खून चूसने के लिए भी होते हैं। अब पति पत्नी का रिश्ता ही ले लो। पापा, बेटा आज तेरी मम्मी इतनी चुपचाप क्यों बैठी है? बेटा, मेरी गलती से। पापा नालायक, ऐसा क्या किया तूने? बेटा, मम्मी ने लिपस्टिक मांगी थी, मैंने गलती से फेविस्टिक दे दी। पापा जुग जुग जियो मेरे लाल, भगवान ऐसा बेटा सबको दे। स्कूल में हिंदी के पीरियड में मास्टर जी ने पूछा, दुख तो अपना साथी है, सुख तो आता है जाता है, अर्थ स्पष्ट है पप्पू, दीदी हमेशा घर में होती है, साली आती जाती रहती है। मास्टर जी ने भारत रत्न के लिए सिफारिश किया। शराबी को शुद्ध दारू पीता देख अमेरिकन बोला, पानी तो पिला लो। शराबी, हम इंडियन है, इतना पानी तो दारू देख के मुंह में ही आ जाता है। एक शराबी एयरपोर्ट के बाहर खड़ा था, एक वर्दीधारी युवक उधर से गुजरा। शराबी ने उससे कहा, एक टैक्सी ले आओ। युवक, मैं पायलट हूँ, टैक्सी ड्राइवर नहीं। शराबी, तो नाराज क्यों होते हो भाई, एक हवाई जहाज ले आओ। संता ने बंता से कहा, 20 साल में आज पहली बार अलार्म से सुबह मेरी नींद आँख खुल गई। बंता, क्यों, क्या तुम्हें अलार्म सुनाई नहीं देता था? संता, नहीं, आज सुबह मुझे जागने के लिए मेरी बीवी ने अलार्म घड़ी खेत का सिर पर मारी। दानी, पहली सहेली बनी, क्या तुमने यह नई साड़ी खरीदी? बानी, हाँ 5,000 रुपये की है। रानी, अरे वाह, यह ज्वेलरी भी नई खरीदी है? बानी, हाँ पूरे 2,00,000 रुपये की है। रानी, क्या तुम्हारे पति ने नई जॉब बदल ली? बानी, नहीं, मैंने पति ही बदल ली। पति, क्या तुम्हें पता है कि गाने में इतनी ताकत होती है कि पानी भी गर्म हो जाती है? पत्नी, हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं जानती? अब तुम यह सोच लो, अगर तुम्हारा गाना सुन के मेरा खून खोल जाता है तो फिर पानी क्या चीज है? पत्नी, सुनो जी, आपके जन्मदिन के लिए बहुत अच्छे कपड़े ले लिए हैं। पति खुश होते हुए, वाह क्या बात है, लाओ दिखाओ। पत्नी, हाँ अभी पहनकर दिखाती हूँ। एक आदमी अपने घर पर टीवी देख रहा था, तभी वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, नहीं नहीं घोड़े से मत उतरना, यह चाल है, यह एक चाल है, मरेगा मरेगा। पत्नी, अरे टीवी में ऐसा क्या देख रहे हो? पति, हमारी शादी की वीडियो। गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप के बाद देहाती लड़का रोते हुए मंदिर में जाकर भगवान से बोला, लड़का बिछड़ा यार मिला दो रब्बा। भगवान बोले, बगल में हनुमान मंदिर है, वहीं जाकर प्राथमिक दर्ज कराओ, माता सीता को उन्होंने ही ढूंढा था। साइकिल वाले ने एक आदमी को टक्कर मार दी और बोला, भाई साहब आप बहुत किस्मत वाले हैं। आदमी गुस्से में, एक तो तूने मुझे टक्कर मार दिया और ऊपर से मुझे किस्मत वाला कह रहे हो।
साइकिल वाला, देखिए भाई साहब आज मेरी छुट्टी है, साइकिल चला रहा हूँ, नहीं तो मैं ट्रक चलाता हूँ। पति पत्नी को मूवी दिखाने जा रहा था, घर के बाहर पति काफी देर से इंतजार कर रहा था। पति चिल्लाते हुए, अरे और कितना देर लगेगा? पत्नी गुस्से में, चिल्ला क्यों रहे हो, एक घंटे से कह रही हूँ कि 5 मिनट में आ रहे हो, समझ नहीं आता। एक बाबा किसी महफिल में गए, वहाँ उनका मजाक उड़ने लगा। बाबा ने कहा, देखो हम फकीर लोग हैं, हमारा मजाक ना उड़ाएं। लोग खूब हंसे। अचानक उन सबको दिखना बंद हो गया, अंधे हो गए, वो सब बाबा के कदमों में गिर गए। बाबा जी हमें माफ कर दो। बाबा ने जूता उतारा और सबके एक एक मारा और बोला, सालो लाइट चली गई है, कोई जनरेटर ऑन करो। संता ने पूछा बंता से, बंता भाई जिसको सुनाई नहीं देता उसको क्या कहेंगे? बंता बोला, कुछ भी कह लो भाई, जब उसे सुनाई नहीं देता क्या फर्क पड़ता है। एक महिला अपनी सहेली से, मुझे अपने पति पर शक है, वो छिप छिप कर किसी से मिलता है। सहेली, तो अब क्या करोगी? महिला, कल ही उनके पीछे अपना बॉयफ्रेंड लगाती हूँ। लड़का गर्लफ्रेंड के घर के बाहर खड़ा था, तभी आंटी बाहर आई। आंटी क्यों खड़े हो? लड़का ऐसे ही, बेटा यही उम्र है, थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर लो, करियर सेट कर लो। लड़का, आपकी लड़की तो मेरे से सेट हो ही नहीं रही, करियर क्या खाक सेट होगी। एक सरदार रोड पे पोटी कर रहा था, पुलिस ने उसे पकड़ लिया। जब पुलिस उसे ले जा रही थी तो सरदार बोला, भाई सबूत तो उठा लो। संता, आज सुबह एक बिल्ली ने मेरा रास्ता काट दिया। फिर? संता, फिर क्या, आगे जाकर बिल्ली का एक्सीडेंट हो गया, साला हमसे पंगा। एक आदमी कुंभ मेले में प्रार्थना कर रहा था, चाहे प्रभु न्याय करो, हे प्रभु न्याय करो, हमेशा भाई भाई को बिछड़ते देखा है, कुंभ में कभी पति पत्नी पर भी ट्राई करो। ट्रेन चली, सरदार जी एक डिब्बे में चढ़ गए। टीटी बोला, क्यों पाजी दिखाई नहीं देता, लेडीज का डब्बा है। सरदार जी, सॉरी जी, मेरे को लगा आप मर्द हो। संता, तेरा भाई आजकल क्या कर रहा है? बनता, एक दुकान खोली थी पर अब जेल में है। संता, वो क्यों? बनता, दुकान हथौड़े से खोली थी। मंटू, इंस्पेक्टर साहब मेरी मदद कीजिए, कोई मुझे धमकी भरे कॉल कर रहा है। पुलिस वाला, कौन है वो? मंटू, मेरी गर्लफ्रेंड का पति, फिर क्या था, हो गई जेल। सैनिक दूसरे सैनिक से, तुम जान देने के लिए सेना में भर्ती क्यों हो गए? दूसरा, क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई और अकेले घर में मुझे शांति नहीं मिलती। मगर तुम? पहला सैनिक, मेरी शादी हो गई है और घर में शांति बनाए रखना संभव है। पति के घर से बाहर निकलते पत्नी बोली, पत्नी भगवान के हाथ जोड़ कर घर से निकला करो, सारे काम अच्छे होंगे। पति, मैं नहीं मानता, शादी वाले दिन भी तो हाथ जोड़ कर ही घर से निकला था। मुझे अभी देखने दो किसका एक्सीडेंट हुआ है। पप्पू भीड़ से हटते हुए बोला, जब कोई हटा नहीं तो चिल्लाते हुए बोला, जिसका एक्सीडेंट हुआ है मैं उसका पिता हूँ। रास्ता मिल गया और पप्पू ने देखा एक गधा मरा पड़ा था। एक बाबा का ज्ञान, जिंदगी में 3 चीजें कभी नहीं करनी चाहिए, पहला लव मैरिज, दूसरा अरेंज मैरिज और तीसरा मैरिज। दो आदमी शराब के नशे में धुत होकर रेल की पटरियों के बीचों बीच जा रहे थे। पहला, हे भगवान मैंने इतनी सीढ़ी पहले कभी नहीं चढ़ी। दूसरा, अरे सीढ़ियां तो ठीक है, मैं तो इस बात को लेकर हैरान हूँ कि हाथ पकड़ने की रेलिंग कितने नीचे लगी हुई है। ऑफिस में आई नई सेक्रेटरी ने अपने बॉस से एक दिन पूछा, सर आपकी बीवी मुझे इतनी सख्त भरी नजरों से क्यों देखती है? बॉस ने ठंडी सांसें ली और कहा, क्योंकि तुमसे पहले वो भी मेरी सेक्रेटरी थी। दुकानदार एक औरत को कपड़े दिखा दिखा कर थक गया, आखिर बोला, मुझे अफसोस है कि मैं आपको कोई कपड़ा पसंद नहीं करवा पाया। औरत, कोई बात नहीं, मैं तो वैसे भी सब्जी लेने निकली थी। आपको हमारी जोक कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।